हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश शर्मा। क्या आपको भी डायग्राम की लेबलिंग याद नहीं होती? तो आज मैं लाया हूँ आपके सामने सुपर ट्रिक्स टू लर्न PBR 322 इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर। सबसे पहले ये NCERT का डायग्राम है, इसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी और नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी एम्पिसिलिन से, और आपको 1 से लेकर 8 तक गिनती याद होनी चाहिए। बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 तक नंबरिंग देने के बाद आपको मैं जो कहता हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। देखिए, ओड नंबर सेलेक्ट करना है। क्या करना है? ओड नंबर सेलेक्ट करना है 1, 3, 5, 7 1, 3, 5 एंड 7। यहाँ पर हम जो अंदर लेबलिंग है डायग्राम में वो याद करेंगे। एक ट्रिक बताइए मैंने, मेट्रो। क्या याद रखना हमें? मेट्रो, ठीक है। एम जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, याद रखना कोई काम का नहीं है एम। उसके बाद ए जो है वो एम्पिसिलिन होता है, टी जो होता है टेट्रासाइक्लिन होता है, आर जो होता है रोप होता है, और ओ जो होता है ORI होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, मेट्रो से याद रखेंगे हम अंदर की लेबलिंग, मेट्रो से याद रखेंगे अंदर की लेबलिंग याद रखेंगे, और 1, 3, 5, 7 इसका कोड याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखिए आप 1, 2, 3, 5 क्या याद रखेंगे हम? 1, 2, 3, 4 छोड़ दीजिए, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 ठीक है, 1, 2, 3 एंड 5। अब इसमें देखना है हमें कि ये जो बाहर का जो लेबलिंग है NCERT में वो कैसे याद रखेंगे। आपको एक कहानी याद रखनी है तीन दोस्तों की। एक होता है पवन, एक होता है भावेश, और एक है हमारा इको नाम का लड़का। इको वाला बीच का होता है, और पवन जो है, पवन और भावेश दोनों पियक्कड़ होते हैं, पीने वाले होते हैं। अब ये क्या बात करते हैं देखिए, ठीक है। हमें कहाँ से चालू करना है? 1 से चालू करना है, यहाँ से चालू करना है, मीन्स एक के बाद हम चालू करेंगे। PST फर्स्ट, देन PVU फर्स्ट, ठीक है। तो पवन PA एक बार, जैसे एक ही है ना, इसको मैं क्या बोलूँ एक बार, क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट सबके सब फर्स्ट है, बस दो वेरिएशन है। एक तो PVU सेकंड है, सेकंड में बस एक ही है PVU सेकंड, और हिंट जो है वो है बस थर्ड। तो हिंट हम पहले से अंडरस्टूडेंट 3 है, और उसके बाद एक या दो जो मैं मेरी ट्रिक में यूज करूंगा वो PVU के लिए होगा, ठीक है। तो देखिए PST फर्स्ट एंड PVU सेकंड, PVU फर्स्ट, पवन PA एक बार, फिर इकोराई क्लास CLA फर्स्ट, हिंट हर्ड। तो इको कहे जय हिंद, इको कहे जय हिंद, क्या बोले? अब जय जो है ये एक्स्ट्रा है, क्या है? जय एक्स्ट्रा है, हमें अंडरस्टूड करना पड़ा। इको कह रहा है जय हिंद, ठीक है। उसके बाद भाम फर्स्ट, साल फर्स्ट, तो क्या बोलेंगे? भावेश साला। उसके बाद PU सेकंड, जो उसने PA दो बार, हम क्या बोलेंगे इसको? PA दो है मतलब दो बार, जैसे यहाँ था एक, तो ये एक बार, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे हम? पवन PA एक बार, इको कहे जय हिंद, भावेश साला PA दो बार। पवन PA एक बार, इको कहे जय हिंद, भावेश साला PA दो बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, याद रखिएगा। आपको अगर मेरी ट्रिक्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक में डाउट है, तो मैं और ऐसी वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।